फिर एक बार किसानों से मिलने वाला हूं, क्योंकि दो दो हजार रुपया डालने भी हैं, बीमा की राशि भी डालनी है और भी सौगात देनी है। तो आज तो चूंकि आवेदन भरवाने थे तो हमने सोचा छोटे हाल में कार्यक्रम रख लें, फिर और एक विराट सम्मेलन अभी आचार वाचार संहिता के पहले ही करेंगे। मध्य प्रदेश किसानों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द आ रहा है फसल बीमा। जैसा कि आपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मुख से शुरुआत में सुनी लिया है, तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल कि फसल बीमा किस जिले से डाला जाएगा और कौन कौन से जिले के किसान इस फसल बीमा के लाभार्थी होंगे। तो पूरी डिटेल जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक किसान साथियों में शेयर जरूर कीजिए। तो किसान साथियों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें सारी जानकारी है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा पूरा, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये कार्यक्रम जो है फसल बीमा सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाना है, ये रतलाम जिले में आयोजित होने वाला है और 30 सितंबर 2023 को जो पात्र किसान है उन किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि आने वाली है। अब जान लेते हैं कि वो कौन कौन से जिले के किसान साथी है जो इस श्रेणी में आ रहे हैं। रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास एवं झाबुआ जिले के किसान नो के खाते में यहाँ पर यह फसल बीमा की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डाली जाएगी। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आएगी तो मैं तुरंत रॉयल किसान चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक किसान साथियों में शेयर जरूर करिए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और नई योजना जो रीलॉन्च करी है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ट्रांसफ़र अनुदान योजना, तो ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसमें किसानों को या तो किसान चाहे तो अपना पर्सनली ट्रांसफ़र भी लगवा सकता है, और कोई किसान अगर ग्रुप बनाकर ट्रांसफ़र लगाना चाहता है तो इस योजना में वो पात्र है। तो इसमें जो ट्रांसफ़र में जो खर्चा आता है उसका 50% सरकार वहन करेगी और 50% जो किसान है और जो किसान के समूह हैं वो मिलकर वहन करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन योजना है। तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, आइए जान लेते हैं उनके माध्यम से। अनुदान पर ट्रांसफार्मर वाली आज हम इस योजना का फिर से शुभारंभ कर रहे हैं। ये प्रदेश के किसान या किसानों के समूह भी ले सकता है, 4 किसान 3 किसान 5 किसान वो मिलकर भी इसको ले सकते हैं। एक इलाके में नहीं है, दूर तक बिजली खंभे लगना है, ट्रांसफार्मर रखाना है, तो चाहे तो किसानों का समूह बना के भी वो बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। और एक इलाके में मैं मंत्री जी आपसे और आपकी टीम से, संजय भी बैठे हैं, कहूंगा हम कोशिश करें कि जहां दूर दराज के इलाके हैं वहां समूह बन जाए किसानों के, किसान संघ भी उसमें पहल करें, तो समूह में बहुत आसानी हो जाएगी, किसान को पैसा भी कम लगेगा। और एक सिरे से अगर 5-10 किसान है और हमने ले गए वाला लाइन तो एक बड़ा काम हो जाएगा, उसका फायदा सबको होगा। इससे कृषि पंप और कनेक्शन हम प्राप्त कर सकेंगे। आप जानते 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 11 KV लाइन का विस्तार करना पड़ेगा, वो करेंगे और ट्रांसफार्मर उसके लिए स्थापित करेंगे। निम्न दाब लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से भी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास में जो खर्चा आएगा उसका आधा किसान या किसान के समूह और आधा सरकार बिजली वितरण कंपनी वहन करेगी। लेकिन एक बात यह है कि पहले की जो थोड़ी कमी थी योजना में वो भी ठीक की है। बीच में अगर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस है, लाइन का मेंटेनेंस है, तो ये मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं था। अब केवल जब लाइन बिछेगी तब किसान को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस से लेके लाइन के मेंटेनेंस से लेके बाकी सब काम अब बिजली वितरण कंपनी करेगी। उसके लिए किसान को पैसा खर्च करने की जरूरत है। एक बार बिजली पहुंच गई तो फिर मेंटेनेंस का भी सारा काम ये विद्युत वितरण कंपनी करेगी।